नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपकी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे एचएससी कल रखे गए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। आपको दोस्तों पता भी होगा भाई, कल आपका नोटिस जारी हो चुका है प्रेफरेंस के लिए। आपका जो नोटिस है गाइज वो कल आ गया है। आपका जो लिंक एक्टिवेट होना है वो 4 से 6 तारीख तक आप अपना प्रेफरेंस भर पाओगे। आपको भाई किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए वो आप आराम से भर पाओगे 4 तारीख से। और अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट आता है कि सर हमारे लिए अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है जिसमें हमारा बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाए और हमें जॉब करने में भी आसानी रहे। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स बताने वाला हूँ गाइज। अगर आप इन सबको फिलअप करते हो जो मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट्स, आपका बहुत ही जल्दी प्रमोशन हो जाएगा भाई और आपको जॉब करने में बहुत ही आसानी रहेगी। आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं आएगा जॉब करते वक्त। और गाइज देखिए, मैं आपको जो डिपार्टमेंट्स बताने वाला हूँ आप उनको देखिएगा और प्लीज आपका सजेशन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको बिल्कुल 100% फिलअप करने हैं, लेकिन गाइज आप अपने तरीके से भी देख सकते हो। आप अपने किसी भाई बंधु से भी जरूर पूछिएगा डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो ही आप अच्छे तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा प्रेफरेंस वाला। जब गाइज 4 तारीख को आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा प्रेफरेंस वाला, जब आपको फिलअप करना है फॉर्म, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने मेरे भाई बंधु चैनल पे नए आए हुए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं आपके टॉप इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, वो आपके कौन से हैं 15, ठीक है गाइस। चलते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए एचएससी कलर्क बेस्ट 15 डिपार्टमेंट्स, एचएससी कलर्क रिजल्ट। हम दोस्तों इस वीडियो में आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। आपका रिजल्ट अब कितने दिन के बाद आ सकता है प्रेफरेंस भरवाने के बाद, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस एक बार बात कर लेते हैं आपके टॉप इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन से हैं वो। तो गाइज फर्स्ट नंबर बात करते हैं भाई एक्साइज एंड टैक्सेशन के बारे में। आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है भाई। आप अगर इस डिपार्टमेंट में लग जाते हो अपना लग समझिएगा, आपके पास कोई पर्डन नहीं आएगा, आपका जो प्रमोशन है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सेकंड नंबर हम बात करते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ट्रेजरी वाला। आपका गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। अगर आप इसको मतलब फिलअप करते हो आपको गाइज बहुत ही आसानी रहेगी अपना प्रमोशन लेने में, और भाई आपको जॉब करने भी बहुत आसानी है, ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन में गाइज आपका काफी अच्छा स्कोप रहने वाला है। इसमें आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है और आपके पास बर्डन ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कलर की जॉब है आपकी, आपका ओनली काम कंप्यूटर लैपटॉप पे होने वाला है। आगे दोस्तों बात करते हैं फोर्थ नंबर पे होम डिपार्टमेंट्स, गृह मंत्रालय में भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो गृह विभाग में, तो भाई आपको काफी आसानी रहने वाली है। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट जो भी है ये होम डिपार्टमेंट वाला बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। आगे दोस्तों बात करते हैं 5 नंबर पे पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट दोस्तों आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको पता भी होगा भाई पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप लग जाते हो आपकी भाई कितनी अच्छी पहुंच हो जाएगी, आपको भाई सब सलूट करेंगे, आपकी इज्जत बहुत सारी होने वाली है इस डिपार्टमेंट में, तो ध्यान दीजिएगा। आपका इसमें भले ही प्रमोशन ना हो लेकिन भाई आपकी इज्जत बहुत ज्यादा है इसमें, और भाई हो सके इसमें प्रमोशन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो पुलिस डिपार्टमेंट में। आगे दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका भाई काफी अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी वुमेन वाला, इसको आप जरूर फिलअप कीजिएगा। 7 नंबर पे हम बात करते हैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, भाई ये भी आपका काफी बेहतरीन डिपार्टमेंट है, इसमें आपका जो प्रमोशन होता है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जो मेरे भाई बंधु मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज दोस्तों आप ये डिपार्टमेंट जरूर फिलअप कीजिएगा। और दोस्तों ये नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम नंबर वाइज यही भरने हैं, आप अपने किसी भाई बंधु किसी सगे संबंधी से भी पूछताछ कर सकते हो, पूछ सकते हो जो आपका सीनियर हो, तो आप प्लीज उससे भी डिस्कस जरूर कीजिएगा डिपार्टमेंट्स के बारे में। आगे दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये भी भाई आपका काफी अच्छा डिपार्टमेंट होता है, तो आप चाहो तो इसको भी फिलअप कर सकते हो। 9 नंबर पे बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भाई आप काफी अच्छा होता है ये भी, आप इसको भी फिलअप कर सकते हो। 9 नंबर पे इसकी प्रेफरेंस दीजिएगा आप। ये नहीं कि मैं गाइज आपको जो बता रहा हूँ नंबर वाइज आपको इस प्रकार से अपने प्रेफरेंस फिलअप करने हैं, ठीक है भाई। आगे दोस्तों बात करते हैं 10वें नंबर पे इलेक्शन डिपार्टमेंट, भाई आपका डिपार्टमेंट काफी बेहतरीन होता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट भी आप इसको भी फिलअप कर सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। 11वें नंबर पे हम बात करते हैं लेबर डिपार्टमेंट है, मुझे दोस्तों लगा कि 11वें नंबर पे लेबर डिपार्टमेंट होना चाहिए, सो मैंने इसलिए यहाँ पे दे दिया इसका प्रेफरेंस। आप दोस्तों अपने तरीके से चेक कर लीजिएगा आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब अच्छी पसंद है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं 12वें नंबर पे एचबीएससी बोर्ड डिपार्टमेंट, आपका भाई बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है एचबीएससी बोर्ड भिवानी में। अगर आप दोस्तों भिवानी साइड से हो, आपका कोई गांव पड़ता है साइड में या फिर आगे पीछे कहीं भी,
तो भाई आप प्लीज एचबीएससी बोर्ड डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, प्रेफरेंस वहां का डाल सकते हो। आपकी जॉब है गाइज एचबीएससी बोर्ड भिवानी के अंडरगढ़ आने वाली है। आगे दोस्तों बात करते हैं 13वें नंबर पे लेबर वेलफेयर बोर्ड में। आपका भाई बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट होता है लेबर वेलफेयर बोर्ड वाला, आप इसको भी फिलअप कर सकते हो। 14वें नंबर पर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। आपको दोस्तों पर्यावरण के बारे में टॉपिक्स दिए जाएंगे वहां पे कलर डिपार्टमेंट में, तो आप प्लीज दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी भर सकते हो। आगे दोस्तों हम बात करते हैं 15वें नंबर पे जो आपका लास्ट डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट का जो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अगर आप चाहो तो इसको भी फिलअप कर सकते हो। भाई जो मैंने आपको बताया ये 15 डिपार्टमेंट आपके काफी मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप इनको चाहो तो भर सकते हो। आपको गाइस जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका प्रमोशन है दोस्तों बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपका दोस्तों क्या सजेशन है इन डिपार्टमेंट्स के बारे में, आप प्लीज सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपका दोस्तों कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आपकी राय हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कुछ भी डाउट लगे वो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आपका आखिर कब तक आएगा? आप भाई मान के चलो 4 से 6 तारीख तक आपके प्रेफरेंस फिलअप करवाए जा रहे हैं। आपको पता भी होगा लिंक आपका एक्टिवेट 4 तारीख को सुबह 10 बजे होने वाला है। जब भी भाई आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा प्रेफरेंस वाला, मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेफरेंस भर के दिखा दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना प्रेफरेंस फिलअप करना है। अगर आप घर पे फिलअप कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा। भाई अगर आप बाहर भरवाते हो उनको ऑलरेडी पता होता है तो आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको भाई कुछ पता नहीं है इसके बारे में प्रेफरेंस के बारे में तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भरने की घर पे कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप पूरे फॉर्म को एक बार सबमिट कर देते हो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये बात आपको भाई कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता आप कोई गलती करो फॉर्म फिलअप करते वक्त। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आखिर कब तक आपका आने वाला है? आप दोस्तों मान के चलो अगर आपका इसी प्रकार से काम अच्छे से चलता रहा अगस्त के लास्ट वीक तक आपका दोस्तों फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। भाई आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और भाई आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। मैं चाहता हूं मेरे सारे भाई बंधु इस जॉब में लग जाएं और फिर मुझे सब लोग पार्टी दें। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों एचएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। एंड गाइस थैंक यू सो मच।